वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 माइनिंग एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपने बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। इस वीडियो की PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए अब देर न करते हुए अपना माइनिंग ज्ञान और बढ़ाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग पाइपलाइन लेआउट शुड बी सच दैट। हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग पाइपलाइन लेआउट ऐसा होना चाहिए कि ऑप्शन ए, द हाइड्रोलिक प्रोफाइल शुड ऑलवेज बी बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ऑप्शन बी, द जियोमेट्रिक प्रोफाइल शुड ऑलवेज बी एबोव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ऑप्शन सी, द हाइड्रोलिक प्रोफाइल शुड ऑलवेज बी एबोव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ऑप्शन डी, द जियोमेट्रिक प्रोफाइल मस्ट बी कॉइंसाइड विद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द हाइड्रोलिक प्रोफाइल शुड ऑलवेज बी बिलो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक प्रोफाइल हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरफेस माइनर डज नॉट हैव, सरफेस माइनर में नहीं होता है ऑप्शन ए, टेंशनिंग अरेंजमेंट फॉर क्रॉलर। ऑप्शन बी, पिक कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन सी, डिफरेंशियल गियर फॉर टर्निंग। ऑप्शन डी, स्क्रैपर प्लेट बिहाइंड द ड्रम। राइट आंसर इज, सरफेस माइनर डज नॉट हैव डिफरेंशियल गियर फॉर टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इक्विपमेंट यूज फॉर बोथ ड्रॉप कट एंड टेरिस कट इन सरफेस माइनिंग इज। सरफेस माइनिंग में ड्रॉप कट और टेरिस कट दोनों के लिए यूज होने वाला इक्विपमेंट है ऑप्शन ए, बकेट व्हील एक्सकेवेटर। ऑप्शन बी, सॉवेल। ऑप्शन सी, सरफेस माइनर। ऑप्शन डी, ड्रैग लाइन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द इक्विपमेंट यूज फॉर बोथ ड्रॉप कट एंड टेरिस कट इन सरफेस माइनिंग इज बकेट व्हील एक्सकेवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिजर्विंग मेथड ऑफ माइनिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर ऑप्शन ए, थिक वेन डिपॉजिट। ऑप्शन बी, मैसिव सेलो डिपॉजिट। ऑप्शन सी, नैरो वेन डिपॉजिट। ऑप्शन डी, मैसिव डीप सीटेड डिपॉजिट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिजर्विंग मेथड ऑफ माइनिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर नैरो वेन डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग इन्हेंसेस प्रोडक्शन इन। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कौन से माइनिंग मेथड में प्रोडक्शन इन्हेंस करता है। ऑप्शन ए, कट एंड फिल माइनिंग। ऑप्शन बी, ब्लॉक केविंग। ऑप्शन सी, श्रिंकेज स्टॉपिंग। ऑप्शन डी, सब लेवल स्टॉपिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग इन्हेंसेस प्रोडक्शन इन ब्लॉक केविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोनेल इज यूज्ड एज डाउन द होल इनिशिएटर टू। नोनेल का उपयोग डाउन द होल इनिशिएटर की तरह किया जाता है ऑप्शन ए, टू रिड्यूस ग्राउंड वाइब्रेशन। ऑप्शन बी, प्रोवाइड प्रिसाइज डिले। ऑप्शन सी, अवॉइड जनरेशन ऑफ एयर ओवर प्रेशर। ऑप्शन डी, अवॉइड डिफ्लेगेशन ऑफ कॉलम चार्ज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नोनेल इज यूज एज डाउन द होल इनिशिएटर टू अवॉइड डिफ्लेगेशन ऑफ कॉलम चार्ज। नोनेल एक नॉन इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर होता है जो कि शॉक ट्यूब इनिशिएशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइकोन रोलर बिट इज यूज विथ। ट्राइकोन रोलर बिट का उपयोग किसके साथ होता है। ऑप्शन ए, रोटरी परक्यूसिव ड्रिलिंग। ऑप्शन बी, डाउन द होल हैमर। ऑप्शन सी, रोटरी ड्रिल। ऑप्शन डी, जैक हैमर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्राइकोन रोलर बिट इज यूज विथ रोटरी ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर MMDR एक्ट 1957 फॉर द अलोकेशन ऑफ लीज ऑफ माइनर मिनरल्स। ऑप्शन ए, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू गिव द परमिट। ऑप्शन बी, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू गिव द परमिट। ऑप्शन सी, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू गिव परमिट बट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू गिव परमिट बट विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एज पर MMDR एक्ट 1957 फॉर द अलोकेशन ऑफ लीज ऑफ माइनर मिनरल्स द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू गिव द परमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोल्ड्स आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम। ऑप्शन ए, फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन बी, हाई इम्पैक्ट टेक्टोनिक स्ट्रेसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन सी, डक्टाइल डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन डी, ब्रिटल डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फोल्ड्स आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम डक्टाइल डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म इन ए जैक हैमर ड्रिल. ऑप्शन ए फोर्स डाउन द पिस्टन. ऑप्शन बी प्रोवाइड्स ए ट्विस्टिंग फोर्स टू द ड्रिल. ऑप्शन सी इंगेज रिफल बार विथ रिफल नट. ऑप्शन डी प्रिवेंट रिवर्स रोटेशन ऑफ रिफल बार. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म इन ए जैक हैमर ड्रिल प्रिवेंट्स रिवर्स रोटेशन ऑफ रिफल बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट पिलर मेथड ऑफ स्टॉपिंग इज ए वेरियंट ऑफ. ऑप्शन ए कट एंड फिल स्टॉपिंग. ऑप्शन बी सब लेवल स्टॉपिंग. ऑप्शन सी वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट मेथड. ऑप्शन डी सब लेवल कैविंग. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. पोस्ट पिलर मेथड ऑफ स्टॉपिंग इज ए वेरियंट ऑफ कट एंड फिल स्टॉपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड इज यूज फॉर. ऑप्शन ए रॉक स्लोप मॉनिटरिंग. ऑप्शन बी मिथेन ड्रेनेज. ऑप्शन सी कनेक्टिंग टू ड्रिप्स. ऑप्शन डी सब्सिडेंस मॉनिटरिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड इज यूज फॉर मिथेन ड्रेनेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए मिक्सचर ऑफ इंफ्लेमेबल गैसेस द लोअर एंड अपर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट्स कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग. इनफ्लेमेबल गैसों के मिक्सचर के लिए निचली व ऊपरी विस्फोटकता की सीमा की गणना की जा सकती है. ऑप्शन ए डाल्टन्स लॉ से. ऑप्शन बी ग्राहम्स लॉ से. ऑप्शन सी ली चैटलियर रिलेशन से. ऑप्शन डी बॉयल्स लॉ से. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. फॉर अ मिक्सचर ऑफ इंफ्लेमेबल गैसेस द लोअर एंड अपर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट्स कैन बी कंप्यूटेड बाय ली चैटलियर रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोड फॉर द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अंडर UNFC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन सिस्टम इज. ऑप्शन ए 444. ऑप्शन बी 123. ऑप्शन सी 334. ऑप्शन डी 111. आप टेबल में कॉमनली यूज्ड UNFC कोड देख सकते हैं जिससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्स की UNFC कोड 11 है जबकि लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्स की UNFC कोड 334 है. सो द राइट ऑप्शन इज सी. द कोड फॉर द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अंडर UNFC सिस्टम इज 334. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रिजर्व मीन्स. ऑप्शन ए आइडेंटिफाइड रिसोर्स. ऑप्शन बी आइडेंटिफाइड एंड टेक्नो इकोनॉमिकल वायबल रिसोर्सेज. ऑप्शन सी हाइपोथेटिकल रिसोर्सेज. ऑप्शन डी इनफर्ड रिसोर्सेज. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रिजर्व मीन्स आइडेंटिफाइड एंड टेक्नो इकोनॉमिकल वायबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन डस्ट बैरियर इन अंडरग्राउंड कोल माइंस आर यूज टू अरेस्ट. ऑप्शन ए ब्लैक डैम एक्सप्लोजन्स. ऑप्शन बी एयर ब्लास्ट. ऑप्शन सी फायर डैम एक्सप्लोजन्स. ऑप्शन डी कोल डस्ट एक्सप्लोजन्स. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. स्टोन डस्ट बैरियर का उपयोग अंडरग्राउंड कोल माइन में कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए किया जाता है. आगे बढ़ने से पहले स्टोन डस्ट बैरियर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. स्टोन डस्ट बैरियर इज इरेक्टेड इन सेकंड एंड थर्ड डिग्री गैसेसियम एंड ऑल्सो मे बी इरेक्टेड इन फर्स्ट डिग्री गैसेसियम इफ रीजनल इंस्पेक्टर डिजायर्स. स्टोन डस्ट बैरियर दो टाइप का होता है, लाइट बैरियर हैवी बैरियर. लाइट बैरियर को प्राइमरी बैरियर भी बोलते हैं और हैवी बैरियर को सेकेंडरी बैरियर भी बोलते हैं. डस्ट लोडिंग ऑन सेल्फ लाइट बैरियर 30 kg पर मीटर, हैवी बैरियर 60 kg पर मीटर. डिस्टेंस फ्रॉम द फेस लाइट बैरियर 45 to 110 meters, हैवी बैरियर 135 to 365 meters इन बोर्डन पिलर मेथड, 180 to 320 meters इन लॉन्ग वॉल मेथड. नॉर्मली 3 to 7 kg स्टोन डस्ट की रिक्वायरमेंट होती है पर टन कोल आउटपुट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंसेस इन ए वाइंडिंग सिस्टम आर टू प्रिवेंट. ऑप्शन ए ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग. ऑप्शन बी स्लो बैंकिंग एंड लोड बैलेंसिंग. ऑप्शन सी ओवरलोडिंग एंड लोड बैलेंसिंग. ऑप्शन डी ओवर स्पीडिंग एंड लोड बैलेंसिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. द फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंसेस इन ए वाइंडिंग सिस्टम आर टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लो ग्रेड डीप सीटेड ओर बॉडी डिपिंग एट 70 degrees हैज़ स्ट्राइक लेंथ ऑफ 2 kilometers
and width of 100 meter. The ore body and wall rocks are weak and fractured. The preferred method of mining is option A, shrinkage stopping, option B, cut and fill stopping, option C, block caving, option D, room and pillar stopping. Right answer is option C. In given conditions, the preferred method of mining is block caving. Next question is, the availability of water in the root zone of plant use is maximum in the case of option A, sand, option B, loam, option C, clay, option D, gravel. Right answer is option B. The availability of water in the root zone of plant use is maximum in the case of loam. Next question is, the purpose of rotating a reeling hygrometer in hygrometer survey is to option A, weight the cotton wick with water thoroughly, option B, maintain constant temperature of water in the container, option C, create steady state of evaporation of moisture from wet bulb surface, option D, prevent the heat produced by cap lamp of observer from affecting the readings. Right answer is option C. The purpose of rotating a reeling hygrometer in hygrometer survey is to create a steady state of evaporation of moisture from the wet bulb surface. So that's all for today. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share this video and subscribe our YouTube channel for more mining related videos.